सभी खुश हो लगता है, सभी खुश नहीं है, खामोशी है। सभी खुश हो आगे तालियां खुदा की सलामी। खुदावन के जिंदा और पवित्र कलाम में से अज़रा की किताब उसका आठवां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत हम तलावत करेंगे। आपके पास खुदा का कलाम है, निकाल सकते हैं। खुदावन के जिंदा और पवित्र कलाम में से अज़रा की किताब उसका आठवां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत जो है, आयत मुकद्दसा हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें। क्योंकि मैंने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क कर देते हैं। सो हमने रोजा रख कर इस बात की के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। एक मरतबा फिर वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क कर देते हैं। खुदावंत के पाकलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो खुदा का कलाम जो है हर जिंदगी के लिए, हर खानदान के लिए और हर शख्स के लिए, और जब कोई खुदा के कलाम को सुनता है तो उसके असरात अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, रसीव कर सकते हैं, और खुदा के कलाम की वजह से बहाल हो सकते हैं। यहां अज़रा की मार्फत जो हमें खूबसूरत बयान मिला है वो ये है कि खुदा का जो हाथ है भलाई के लिए उन सब के साथ है। गौर करेंगे, भलाई के लिए उन सब के किस काम के लिए साथ है? भलाई के लिए किनके साथ है? उन सब के साथ है जो उसके क्या है? तालिब। जो उसके क्या है? उन सब के साथ है। और इसी का दूसरा हिस्सा है खुदा का जोर और खुदा का कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क कर देते हैं। अमीन। यहां पर दो ही ग्रोह है। कितने ग्रोह? दो ग्रुप्स हैं यहां पर जिनका तस्करा है, और दो ही बातें हैं जिनका तस्करा है, दो ही खुदा की खूबियां हैं जिनका तस्करा है। एक के वो भलाई का तस्करा है और दूसरा उसके गुस्से और कहर का तस्करा है। और ग्रामर के लिहाज से ये गुस्सा और भलाई इसमें सिफ्ट में आती है। ये चीजें जो लोग स्कूल से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरह से वो जानते हैं, इसमें सिफ्ट में
भलाई या बुराई की बात होती है अभी, तो वो स्पेसिफिक कहलाता है। यहां एक खूबी ये बयान की गई है कि खुदा जो है वो भला खुदा है और क्या करता है, भलाई। यहां क्या लिखा है आपने अगर इसको ध्यान से सुना है, हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए, इस काम के लिए, भलाई के लिए उन सब के, नोट करेंगे, चंद लोगों की बात नहीं, उन सब के साथ है जो उसके ताली हैं, और उन सब के खिलाफ है जो उसको क्या कर देते हैं, तर्क कर देते हैं, जो खुदावन को छोड़ देते हैं, जो खुदावन को रद्द कर देते हैं। तो पहला हिस्सा जिस पर हम बात करेंगे खुदावन के तालब होने के हवाले से, फिर वक्त हुआ तो दूसरे हिस्से पर भी हम बात करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जैसे खुदा हमें मौका। खुदावन का तालिब होना, तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदावन का तालिब होना, और दूसरी बात खुदावन का तालिब रहना। अमीन। इतनी बातें होगी, पहली क्या, तालिब होना और फिर तालिब रहना, और तीसरी बात मैं तालिब ही की करना चाहता हूं, वो जब तालिब खुदा को तर्क कर देता है। ये तीसरी बात, पता है तालिब भी खुदा को कई मरतबा तर्क कर देता है। हजारों मिसालें हैं बाइबल के अंदर, आप दाऊद की मिसाल दे सकते हैं, आप समसून की मिसाल दे सकते हैं, मैं इस तरफ अभी जाना नहीं चाहता। तो पहली बात खुदा का तालिब होना, ये बड़ी जरूरी बात है। कितने लोग खुदा के तालिब हैं, हाथ खड़ा करें, शाबाश, कैमरा आपको देख रहे हैं, और सुनिए, वैसे हम हाथ सभी खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर दे, लेकिन इसका कोई ना कोई सबूत चाहिए। अगर हम खुदा के तालिब हैं, हाँ जी, इसको सिंपल करेंगे तो, अगर आप खुदा को ढूंढने वाले, आमीन, खुदा को क्या करने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, अगर आप खुदा के मुतलाशी हैं, अगर आप खुदा के प्यासे हैं। और मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक लफ्ज मिला जबूर की किताब में, जो बिल्कुल यहां इस्तेमाल किया गया है, और मैं उसको देखकर खुश हो रहा था। और वहां पर जो तालिब के साथ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आशिक। क्या जी? और ये आपको जबूर 34 उसकी 10वीं आयत में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जबूर 34 उसकी 10वीं आयत में क्या उस मिल जाएगा? आशिक। बैठे बैठ के बता, बुरा लो बैठ के, 10वीं आयत में क्या मिल जाएगा? तो फिर नोट करें, तालिब कौन है? भाई खुदा के लिए जिसके अंदर तड़प है, खुदा के लिए जिसके अंदर भूख और प्यास है, खुदा के लिए जिसके अंदर चाहत है, खुदा का कोई प्यासा है, वो खुदा का तालिब है। और याद करें जबूर 42 में जबूर रविस कहता है, जिस तरह हिरनी पानी के नालों की अजी तरसती है, जिस तरह वो प्यासी है, इसी तरह से मेरी रूह तेरे लिए। वो था
तालब नहीं है बाइबल पढ़ने को जी ना चाहे, जी मैं खुदावन का तालिब हूं, चर्च आने को जी ना चाहे, जी मैं बोली बोली शबाश मैं खुदा का तालिब हूं, अजी दुआ करने को जी नहीं चाहता पर मैं खुदा का तालिब हूं। भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बाइबल है मेरे साथ निकालिए, खुदा का तालिब होने का सबूत आपको यहां पर मिलेगा। खुरूज की किताब उसका 33वां बाब, और मूसा खैमा को लेकर उस लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा दिया करता था, और उसका नाम खैमा इस्तेमाल था, और जो कोई खुदावन का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। थैंक यू बैठे। देखिए मूसा जो है खैमा इज्तिमा बनी इसराइल का वक्ती इबादत खाना, जब वो 40 साल तक बियाबान में सफर कर रहे थे तो उनका आरजी और वक्ती इबादत खाना था जिसका नाम खैमा इज्तिमा रखा गया। इंग्लिश में उसको टैबरनेकल या टेंट ऑफ मीटिंग कहते हैं, इब्रानी में उसको मशने मुईद कहते हैं। तो ये लोगों में नहीं लगाता था बल्कि लोगों से बाहर लगाता था, लश्करगाह से बाहर लगाता था बल्कि कह दूर लगाता था। और उधर कौन जाता था बोलिए, आज का तालुक किया है, जाना तो जाने हैं पर चर्च ही और बड़ी दूर है। अजी यहां पर तालब की बात हो रही है, जो कोई तालब होता वो वहां चला जाता, अगर चे लश्कर गांव में उसको नहीं लगाया गया, अगर चे पब्लिक के दरमियान लोगों के दरमियान वो नहीं गाड़ा गया बल्कि लोगों से बाहर वो लगाया गया है, और वहां वही शख्स जाता जो खुदावन का तालब होता। और ये सबूत है, अगर आपके अंदर खुदा के घर के लिए तड़प है, खुदा के घर के लिए प्यास है, खुदा के घर में आप जाना चाहते हैं, तो ये खुदा के तालब होने का क्या है, बहुत बड़ा प्रूफ है। और जबूर नवीस कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू क्या लिखा हाँ जी, आओ खुदा दे चलिए। तालब से कहा जा रहा है कि कहां पर चले, खुदा के घर में। जब तालब ने सुना तो वो खुश हुआ, अच्छा खुदा के घर में जाने प्रेस तालब चलो चलिए। खुदा के घर के बारे में सुनकर देख तालब खुश हुआ, और तालब क्विकली खुदा के घर को जाना चाहता है। इसके लिए एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें की किताब है उसका 4:29 आयत। हालेलुया। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा। थैंक यू जी, यहां पर भी बात हो रही है खुदावंद के तालिब होने की, किसकी? पहले अभी बात हम कर रहे थे खुदा के घर के तालिब होने की, किसकी कर रहे थे? यहां किसकी बात हो रही है? खुदा के तालिब होने की। तो ये सबूत है, अगर आप उसके घर के तालिब हैं तो किसके तालिब हैं? खुदा के। अगर आप बाइबल के तालिब हैं, खुदा के कलाम के तालिब हैं तो किसके तालिब हैं? खुदा के आप तालिब हैं। अगर आप दुआ के तालिब हैं, संगत के तालिब हैं, रिफाकत के तालिब हैं तो फिर किसके तालिब हैं? तो अगर दुआ करने को जीना चाहे, बाइबल पढ़ने को जीना चाहे तो फिर क्या प्रूफ है जी हम खुदा के तालिब हैं? यहां पर बड़ी खूबसूरत बात की थी खुदा के बंदा ने कि वो खैमा जो बाहर लगाया गया था
लोग वहां चले जाते थे, गांव जाते थे, जो कोई उसका क्या होता था। और मैंने आपके सामने रखा था कि तालब होना और फिर तालब रहना, इसके लिए हवाला मेरे साथ निकाले तालब रहने के हवाले से, और ये आपको मिल जाएगा तवारी की दूसरी किताब उसका 23वां बाइबल है, निकाल सकते हैं तवारी की दूसरी किताब उसका 23वां बाब उसकी 9वीं आयत है। लिखा है और उसने अखजिया को ढूंढा और वो साबरिया में छिपा था, सो उसे पकड़कर याहू के पास लाए और उसे कत्ल किया और उन्होंने उसे दफन किया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो यहुस्बत का बेटा है जो अपने सारे दिल से खुदावंद का तालिब रहा। यहां बात हो रही है यहुस्बत बादशाह, किसकी बात हो रही है? यहुस्बत बादशाह की। ये खुदा प्रस्त शख्स था, खुदा से प्यार करने वाला बादशाह था, उसके बारे में बाइबल ने ये कहा कि वो अपने सारे दिल से खुदा का क्या रहा। मैंने कहा था शुरू में कि तालब होना अलग बात और तालब रहना अलग बात, और ये कब तक तालब रहा? शाबाश, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक। कभी कभी हमने ये देखा जब कोई शख्स तब्दील होता है, नया नया तब्दील होता है, तो दो चार दिन बड़ा जोश और बड़ा जज्बा और बड़ा बलबला है, संगत में वो जाना चाहता है, रिफाकत करना चाहता है, बाइबल पढ़ना चाहता है, दुआ करना चाहता है, और उसके बाद फिर तिक्या तक आग नहीं होना चाहता। की गल है जी, केड़ी केड़ी वांगू फिर हो सकता है? क्या कर जी? हाँ जी, तो जो तालब है जी, वो धक्का स्टार्ट गाड़ी की मानद नहीं होगा, बल्कि किसकी मानद होगा? सेल्फ का। जोर लगाने की जरूरत नहीं, टाइम हो गया वो चर्च में है, वो बाइबल पढ़ने के लिए रेगुलर वक्त निकालेगा, दुआ करने के लिए रेगुलर वो चलेगा, लेकिन अगर कोई तालब नहीं है तो कई माह भी गुजर सकते हैं, क्या नहीं की दुआ, क्या नहीं पढ़ी बाइबल, कहां नहीं आए चर्च में। भाई तालब वही है जिसके अंदर तलब है, याद करें ये तीन लफ्ज आपस में बड़े रिलेटेड हैं, तालब तलब और मतलूब, याद करें क्या क्या, तालब तलब और तो तालब वो है जिसके अंदर तलब है, आमीन, और जिसके लिए तलब है वो मतलूब है, आमीन। तो दोनों के दरमियान जो कंडीशन है, जो रिश्ता है, जो नाता है, उसको आप तलब कह सकते हैं। दोनों के अंदर जो एक मेल मिलाप की आरजू है, उसको आप तलब कह सकते हैं। तो यहां पर याद करें, बात हो रही है यहुस्बत बादशाह की, कि वो सारे दिल से खुदावंद का क्या रहा है, सारे दिल से खुदावंद का तालब रहा। तालब होना अलग बात और तालब रहना अलग बात, और बाइबल कहती है वो सारे दिल से खुदा का तालब रहा। एक और हवाला मेरे साथ पढ़िए, अय्यूब की किताब है उसका 5वां बाब 8वीं आयत, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिए। और यहां पर लिखा है, लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। देखिए अय्यूब की बात, वो डिस्टर्ब था, बोलिए, खानदानी तौर पर डिस्टर्ब था जी, शख्सी तौर पर डिस्टर्ब है, सारे बच्चे मर गए हैं, बीवी का जेल उसके जेल के साथ मेल नहीं खाता, माली तौर पर बड़ा नुकसान हुआ, वो डिस्टर्ब था, बदनी तौर पर भी डिस्टर्ब था,
लेकिन वो कहते हैं मैं किसका तालब रहूंगा, रहूंगा, यानी वो खुदा से अलग होना नहीं चाहता, खुदा को छोड़ना नहीं चाहता, खुदा से अलग होना नहीं चाहता, खुदा से जुदा होना नहीं चाहता, खुदा से अलग होना नहीं चाहता, इसी वो कहते हैं मैं खुदा का तालब रहूंगा। और अगर कोई खुदा का तालिब है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके फायदे ही फायदे हैं। और मेरे साथ निकाले तवारे की दूसरी किताब 15वां बाब दूसरे ऐसे आशा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आशा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावन हमारे तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ रहो साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा। रुकिए, वो कहते हैं खुदावन तुम्हारे साथ है, खुदावन तुम्हारे और यहां पर शर्तिया बात ये है कि जब तक तुम उसके साथ, ये बात भी याद रखना है कि जब तक तुम उसके साथ हो खुदावन तुम्हारे, जो असी उदे नाल ना रहे जी फिर याद करें, बड़े रश में बड़ी ट्रैफिक जहां होती है और बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ चलते हैं और किसकी उंगली पकड़ी होती बच्चों ने, तो यहां पर माँ बाप ने बच्चों का हाथ फड़े ऐसा ही है, तो जब तक वो उनको पकड़ा हुआ वो क्या है, महफूज है, तो जब वो अपना छुड़ा ले हाथ या उंगली छोड़ दे फिर बोलिए फिर तो खतरा ही है, फिर तो परेशानी है, फिर तो मायूसी है, हलाकत हो सकती है। यहां पर कलाम ये कहता है कि जब तक तुम उसके क्या हो, साथ हो, वो तुम्हारे साथ। आमीन। तो कितने लोगों के खुदा साथ है ये उन्हें पता है जो खुदा के नाल है। अजी जो खुदा के साथ नहीं है सच्ची बात है याद रखना है, क्योंकि खुदा पाकीजगी का खुदा है। आमीन। किसका खुदा है? पाकीजगी का खुदा है, और वो इंसान से ये चाहता है कि अपनी नपाकी छोड़कर मेरे पास आ। आमीन। अपनी नपाकी छोड़कर मेरे पास आ जा, नपाकी को छोड़ दे। और यहां लिखा है जो कोई उसका तालब होता है वो उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो उसका तालब होता है उसको, अगला हिस्सा अभी हम नहीं पढ़ेंगे याद करें, तर्क करने वाला वो दूसरे हिस्से के साथ उसकी अटैचमेंट है। और इसी चैप्टर की 15वें बाब की 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है और सारा यहूदा उस कसम से बाग बाग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दिल से कसम खाई थी और कमाल आरजू से खुदावंद के तालिब हो गए थे, और उनको मिला और खुदावंद ने उनको चारों तरफ से अमान बख्शी। किस तरह वो खुदा के तालिब हुए, कमाल आरजू से, पूरी चाहत खुदा के लिए, पूरी तड़प खुदा के लिए, पूरा दिल खुदा के लिए, और इसीलिए कमाल आरजू के साथ। ये साड़ा हाल क्यों है, एक दिल करता है आज मैं गिरजे जावा, दूसरा किया फिर कमाल आरजू के ना हो, एक दिल करते हैं मैं पहलो अपनी दही की दे देव हजी, दूसरा दिल करता है अच्छा हफ्ता ठहर के करा। तो ये कमाल आरजू नहीं है, अगर आपका एक दिल करता है बाइबल पढ़ने को और दूसरा दिल करता है
कमाल आपको पता है, कमाल जो है वो मुकम्मल के बने देते हैं, मुकम्मल पूरे पूरी डिजायर ऐसे तलब है, पूरी डिजायर ऐ जड़े जहाज नशा नुशा करते ने जो उन्होंने तलब का मसला होंगे याद है तो फिर कमले नहीं हुए होते उन्होंने पानी दो नहीं चाहिए रोटी दो नहीं चाहिए की चाहिए जेड़ी चीज थी उन्होंने की है तलब। तो यहां पर ऐसी कंडीशन है कि इस तरह से आप खुदा के तालब हो पूरे दिल के साथ पूरी कमाल आरजू के साथ खुदा के तालब। और ये यहां के लोगों की बात है कि वो कमाल आरजू से क्या हुए तालब। और दो तीन बातें मैं आपके सामने रख के मैं खत्म करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूं खुदा के तालब होने के फवायद। पहली बात क्या थी, तालब की हमने बात की है, अभी क्या बात करेंगे, तालब होने के फवायद। ये इसकी सब हेडिंग है जो हमने शुरू किया है, इसी की एक ब्रांच है। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं हवाला, जबूर की किताब जबूर नंबर 34 उसकी 10वीं आयत। नबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। जी जी आगे आगे पढ़ देना। आए बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है। थैंक यू जी। जो खुदावंद के तालिब है वो किसी चीज के मुताज, नोट करें जी, कौन मुताज नहीं हो सकते, किस नेमत के, किसी नेमत के भी वो मुताज नहीं हो सकते। ते जेड़े खुदावंद के तालिब नहीं हो शाबाश ओ फिर की रहेंगे मुताज ही रहेंगे। का दे नेमता दे नेमतों के वो क्या रहेंगे, कौन जो तालिब नहीं है, जो तालिब है वो किसी नेमत के मुताज नहीं होंगे। इसका मतलब है उनको नेमतें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो नेमतें रूहानी हो सकती है, वो नेमतें माशरती हो सकती है, वो नेमतें शख्सी हो सकती है, वो नेमतें खानदानी हो सकती है, वो नेमतें माली हो सकती है, और वो किसी नेमत के क्या नहीं होंगे मुताज। पहला फायदा ये खुदा के तालब होने का क्या फायदा है, किसी नेमत के क्या नहीं होंगे मुताज नहीं होंगे, ये पहला फायदा है। एक और आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, अब्रानियों के नाम खत है उसका 11वां बाब उसकी 6वीं है। आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिए। उस्मान मिल गया, इब्रानियों के नाम खत है उसका 11वां बाब 6वीं आयत। जी उस्मान बेटा पढ़ने में मदद करेगा जी। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। थैंक यू जी। आमीन। पहली बात, बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना, इसी में दूसरी बात यह है कि खुदा मौजूद है। और तीसरी बात जो हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है वो है कि वो अपने तालबों को बदला देता है। ये हो नहीं सकता कि आप खुदा के तालिब हैं और आपको बदला ना मिले, आपको अजर ना मिले, आपको रिवार्ड ना मिले, ये नहीं हो सकता। अगर आपके आप खुदा के तालिब हैं तो खुदा आपको क्या करेगा, बदला। और बाइबल के अंदर और बहुत सारे फवायद हैं तालिब होने के, वक्त नहीं अभी मैं इस पर ज्यादा बात करूं। जैसा मैंने कहा था आशिक का रस बोला था,
और एक और आपके लिए बाइबल में से बोलना चाहता हूँ, वो है महबूब का। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो बड़े फायदे हैं और भी, लेकिन मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ और भी बड़ी चीजें हैं जो बाइबल के अंदर मुदर्ज है कि आप खुदा के चेहरे के तालम हो सकते हैं। यादव मूसा ने कहा था मुझे अपना चेहरा दिखा, यादव से कई दरख्त पर चढ़ गया। आप पाकिजगी के तालिब हो सकते हैं, आप सच्चाई के तालिब हो सकते हैं, और आप नेकी के तालिब हो सकते हैं, और आप मोहब्बत के तालिब भी हो सकते हैं। तो याद करें, हमें लाजम है पहली बार खुदा का तालिब होना, खुदा का तालिब होना, और फिर खुदा का तालिब रहना। खुदा की बादशाह में वही जाएंगे जो खुदा के क्या है, तालिब है। अजर उनको मिलेगा जो खुदा के क्या है, इसका कोई ना कोई सबूत चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बिला नागा पढ़ते हैं, दिलचस्पी है, ये तालिब होने का सबूत है। अगर आप चर्च में बाकायदा आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, ज्यादा आते हैं, ये तालिब होने का क्या है, सबूत है। और अगर आप ज्यादा दुआ में वक्त गुजारते हैं या रोजे में वक्त गुजारते हैं, तो ये तालिब होने का क्या है। वो हन्ना को याद करें, जब यीशु मसीह बच्चा था, हैकल में लेकर गए, तो हन्ना जो 84 बरस से बेवा थी, याद करें क्या लिखा है, बस 84 बरस से बेवा थी। दुआओं और रोजों के साथ वो हैकल से जुदा, बढ़िया जी, वहां ऐसा लिखा हो, हैकल से जुदा नहीं होती थी। आई काल कौन दस, तो आज जरूरी बातें जो हमने यहां से सीखी है वो ये है, पहली बात हमें खुदावंद का क्या होना है, तालिब, और दूसरी बात खुदावंद का तालिब रहना है, और तीसरी बात तालिब होने का अजर। तालिब होने का क्या है, अजर है। और आखिर पर हासिल कलाम जो है वो ये है, हमें तालिब होना है और तालिब रहना है। सो मेरे अजीजों, हमें तालिब होने की क्या है जरूरत है, ताकि खुदा हमारी फेवर में हो, और खुदा भला खुदा है, आमीन, भलाई दिखाता है, उनके लिए भला है जो उसके क्या है, तालिब है। तो इसलिए आपके लिए वो भलाई दिखाएगा, मेरे लिए भलाई दिखाएगा, अगर हम उसके तालिब हैं। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत।